खबरों की नई पहचान। पॉलीथिन को लेकर नगर निगम शहर में लगातार अभियान चला रही है। इस कड़ी में नगर निगम की एक टीम ने मंगलवार को हीरापुर स्थित मधुलिका स्वीट्स में दबिश दी। टीम ने यहां से पॉलीथिन से निर्मित लाइटिंग डब्बे तथा प्लास्टिक के गिलास बरामद किया, जिनका आंकड़ा लगभग 2 से 3 किलो पाया गया। नगर निगम के द्वारा प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया, साथ ही बरामद प्लास्टिक को जब्त की गई। इस तरह की छापेमारी चल रहा है सर? देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है, अमेंडमेंट रूल जो 2021 का है, उसके तहत जो है ये कार्रवाई चल रही है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है, और जो माइक्रोन जो प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस माइक्रोन का जांच किया जा रहा है। उसके आधार पर अगर जो नहीं पाया जा रहा है, उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं। अभी कहाँ आया था और क्या क्या पाया गया? ये मधुलिका हम लोग आए थे, खबर मिला था कि यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, नॉन ओवन प्लास्टिक भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि सही पाया गया। देख ही सकते हैं यहाँ सामान भी कुछ पड़ा हुआ है, तो नॉन ओवन प्लास्टिक है। इस पर हम लोग जब्त कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई? फाइन भी इनको होगा, एज पर नॉर्म्स जो है वो फाइन भी किया जाएगा और सामान भी जब्त होगा। कितनी मात्रा में प्लास्टिक जब्त किया? लगभग यहाँ देखने से तो लग रहा है 2 केजी के आसपास, 1 या 2 केजी के आसपास होगा, है ना? ये अभियान जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान जारी।